शिवरात्रि के मौके पर नागपुर शहर में शिव भक्तों में जमकर उत्साह देखा गया। वहीं शहर के नंदनवन स्थित भोलेनाथ की भव्य मूर्ति के दर्शन के लिए सुबह से भक्तों का तांता लगा हुआ है। तो आज के इस भव्य महापूजन में श्री लक्ष्मी देवस्थान शिव मंदिर के जो भी लोग हैं यहाँ पे, जो भी संस्था के कार्यकारिणी है, वो लोग हमारे साथ मौजूद हैं। उन्हीं से जानेंगे कि कितने सालों से यहाँ पर इस तरह का आयोजन किया जा रहा है और जो मूर्ति अभी हम भगवान शंकर की इतनी भव्य मूर्ति देख रहे हैं वो कितने सालों से यहाँ पर मौजूद है। तो सबसे पहले अपना नाम बताइए। मैं हेमंत दयाराम आकरे, मैं यहाँ का कार्यकारिणी का सभासद हूँ और यह इस जगह को पूरे 41 साल हुए हैं लक्ष्मी नारायण मंदिर को और इस मूर्ति को 25 साल हुए हैं। ये पूरे 51 फीट की मूर्ति है और ये जहाँ तक हमारे को ध्यान में दिया गया है कि ये महाराष्ट्र में ही एक शिव मूर्ति है जो पूरे महाराष्ट्र में प्रचलित है और यहाँ पे नियर अबाउट 1 से 1.5 लाख के ऊपर लोग, भाविक लोग यहाँ पर दर्शन देने के लिए आते हैं और हम लोग सुबह 7 से 9 हम लोगों ने लघु रुद्र अभिषेक की पूजा की है मूर्ति के सामने, जहाँ पे 151 कपल की यहाँ पे व्यवस्था की गई थी जिन्होंने यहाँ पे महालघु रुद्र अभिषेक की पूजा की है। और इस प्राचीन मूर्ति को हम लोगों को 25 साल हुए हैं और हमारा को यहाँ पे 5-5 साल में इसको हम लोग ये करते हैं, रंगोरगोटी करते हुए इस आयोजन का हम लोग पूरा हर साल ये कोशिश करते हैं इसके अच्छे से अच्छा आयोजन हो और इससे हमारा लक्ष्मी नारायण का नाम और सब तरफ पसरते रहे, जहाँ जहाँ जा सके वहाँ जा सके, बस इसके लिए हम लोग कोशिश करते रहते हैं और हमारे मूर्ति को 25 साल हुए हैं। आज सुबह कितने बजे से यहाँ पर जो भक्तों की भीड़ है जो अभी भी मौजूद है, कब से शुरू हुई और कब तक रहने वाली है? ये सुबह 6 बजे से पूजा चलना चालू हो गई है, लोगों का दर्शन लेना चालू हो गया। ये नियर अबाउट सुबह 6 से रात को 11 बजे तक ये व्यवस्था की जाती है। तो एक संदेश जो इस महाशिवरात्रि पर आप दर्शकों को देना चाहेंगे? महाशिवरात्रि पर्व को हर्षोल्लास से सभी ने साजरा करना चाहिए। सभी धर्मों के लोगों ने एकत्रित आके इस महापर्व को अच्छे तरीके से सनातन धर्म के हिसाब से इसको महसूस करके और सनातन धर्म के हिसाब से इसको सवार रह जाए। बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने का। तो देखा आपने, अभी भी मेरे पीछे भाविक भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है और सुबह 6 बजे से लगभग रात तक की भीड़ रहने वाली है। तो आज के इस महाशिवरात्रि के पर्व को किस तरह नागपुर मनाया रहा है ये आप इस रिपोर्ट के माध्यम से देख ही रहे हैं। आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश भारद्वाज के साथ अक्सा वहीद अंसारी, BCN News नागपुर।